हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सलादी गेमिंग में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बीजीएमआई के अंदर आप किस तरह से होवरबोर्ड ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। गाइस होवरबोर्ड, गाइस अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ होता है, जब भी आप ना एरोप्लेन से जंप करते हो तो आपको जंप करते हो ना एक स्केट बोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि आपका बंदा उसके ऊपर चढ़ के जाएगा और बहुत अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप किस तरह से होवरबोर्ड को क्लेम कर सकते हो पूरे का पूरा इन डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर बताया स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस वीडियो को पूरे का पूरा देख लेना। ठीक है, बेसिकली आपको गाइस साइकिल एडवेंचर करके ना साइकिल रिवॉर्ड में ना जो मिशंस दिए जाते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, कोई भी ये जो मिशंस होते हैं वो कंप्लीट कर सकता है आके। आपको जस्ट क्या करना है वो आप देख सकते हो, इसमें पूरा इन डिटेल दिया गया होता है, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या करना है आपको। सो गाइस, आप ना बेसिकली देख सकते हो साइकिल रिवॉर्ड्स करके। ठीक है, तो जो साइकिल रिवॉर्ड्स हैं इसके अंदर पहला जो क्रेडिट दिया गया डायमंड स्टैम्प रिवॉर्ड करके, जो डायमंड स्टैम्प रिवॉर्ड है इसको जैसे आप कंप्लीट करते हो, बेसिकली इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 मेडल चाहिए रहेंगे। मेडल किस तरह से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप इसका रिवॉर्ड सुन लो। ठीक है, तो इसमें आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आप देख सकते हो हेड गियर व्हाइट कलर का आपको इसके अंदर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप किस तरह से हेड गियर को ले सकते हो, जस्ट आपको 3 मेडल चाहिए रहेंगे, किस तरह से मिलेंगे वो आप यहां पे राइट साइड पे देख सकते हो, कुछ मिशन दिए गए हैं। जैसे आप ये मिशन कंप्लीट करोगे तो आपको 3 मेडल दे दिए जाएंगे, और जैसे आपको 3 मेडल मिलेंगे आप वैसे ही जाके अपना हेड गियर को परचेस निकाल सकते हो, वहां से जाके कलेक्ट कर सकते हो। देखिए, पहला मिशन ये है कि आपको जस्ट अपना डायमंड टायर को टच करना है, जैसे आपका डायमंड टायर हो जाएगा तो आपको पहला मेडल मिल जाएगा C1S1 के ऊपर, मतलब वो जो मेडल है उसके ऊपर टिक बन जाएगा। ठीक है, तो मेडल बन जाएगा उसके ऊपर बेसिकली जाके जो खाली है। गाइस सेकंड मेडल आपको किस तरह से मिलेगा, जस्ट आपको 3500 जो ट्रॉफीज रहता है आपको वहां तक पहुंच जाना है, और जैसे आप वो कर लोगे तो आपको ना एक और मेडल दे दिया जाएगा। और लास्ट जो मेडल आपको किस तरह से मिलेगा, आपको जस्ट क्राउन को टच करना है 3700 तक, आप जैसे ही मतलब आपका पॉइंट्स हो जाएगा तो आपको थर्ड मेडल भी दे दिया जाएगा, तो आपका पूरे का पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद जाके आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो अपने हेड गियर को। और जो सेकंड आपको स्टैंप देखने को मिलता है, क्राउन स्टैंप देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्राउन स्टैंप के अंदर आपको कौन से मिशन दिए जाते हैं वो भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो गाइस क्राउन स्टैंप के अंदर भी सेम सिनेरियो, इसके अंदर भी आपको 3 मेडल चाहिए रहते हैं। तो मेडल जो पहला मेडल आपको देखने को मिलेगा किस तरह से, आपको सबसे पहले क्राउन 5 पे टच करना है, जैसे आप टच कर लोगे क्राउन 5 तो आपको पहला मेडल दे दिया जाएगा। और दूसरे मेडल के लिए जस्ट आपको जो अपना रेटिंग पॉइंट रहता है वो 4000 करना है, 4000 करोगे तो आपको एक और मेडल दे दिया जाएगा। और जो तीसरा मेडल है वो आपको किस तरह से मिलेगा, आपको जस्ट अपना एस टच करना है। ठीक है, तो एस टच करोगे 4200 पॉइंट अगर आप कर लेते हो तो फिर गाइस आपको ना तीसरा मेडल भी दे दिया जाएगा, और आपको क्राउन स्टैंप जो वाला रिवॉर्ड है ना इसके अंदर से आपको एक आउटफिट दे दी जाएगी बिल्कुल परमानेंटली। अब बात करते हैं होवरबोर्ड के बारे में, एस जो आपको स्टैंप देखने को मिलता है ना उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेंगे मिशंस वो जल्दी से बात कर लेते हैं गाइस। गाइस पहला जो मिशन है गाइस आपको दिया जाता है, सबसे पहले आपको एस टच करना है, जैसे आप एस टच करोगे तो आपको एक मेडल दे दिया जाएगा। दूसरा मिशन ये है कि आपको ना 4500 पॉइंट आपको टच करना है, जैसे आप ये रेटिंग टच कर लोगे ना तो वैसे ही आपको दूसरा मेडल दे दिया जाएगा। और तीसरे मेडल के लिए गाइस आपको जस्ट ना एस मास्टर करना पड़ेगा 4700 पॉइंट, जैसे आप कर लोगे तो गाइस आपको दे दिया जाएगा एक और मेडल। तो बेसिकली जैसे आपको 3 मेडल हो जाए तो आप क्लेम कर सकते हो यहाँ से होवरबोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और गाइस बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यार हमें ना ये तीनों की तीनों सीजन में मतलब एस वेस करना पड़ेगा तो फिर जाके हमें यहाँ से एक होवरबोर्ड मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये आप कोई भी सीजन में कर सकते हो। जैसे 3 सीजन है आपके पास, 3 सीजन रहते हैं, तो आप तीनों सीजन में से किसी भी सीजन में जाके आप किसी भी मंथ में ये कंप्लीट कर सकते हो, तो अभी आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी जाके कंप्लीट कर लो। मां फिर आगे बात करूं, अगर आपको सिर्फ होवरबोर्ड चाहिए तो गाइस अगर आप होवरबोर्ड वाले मिशन कंप्लीट कर देते हो, मतलब एस वाले जो जितने भी मिशन दिए गए आप कंप्लीट करते हो, तो गाइस आपके जो क्राउन वाले हैं और जो डायमंड वाले हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो गाइस आप सभी को समझ आ चुका होगा कि बेसिकली क्या चीज़ें हैं, और मैंने ये सबके सब मतलब ये कंप्लीट कर लिए हुए थे मिशन वगैरह, तो मैं जल्दी से यहाँ से ना रिवॉर्ड्स वगैरह भी कलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई लोग, मैं अपने मेन अकाउंट में आ चुका हूँ, और गाइस आप देख सकते हो साइकिल रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा जो मेरा डायमंड वाला रिवॉर्ड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और मेरे को मिल चुका है फाइनली एक हेड गियर, और कुछ इस तरह का आपको हेड गियर देखने को मिलने वाला व्हाइट कलर का, अच्छा खासा देखने को मिलता है, कुछ यूनिक्स है। और अब जल्दी से मैं अपना क्राउन वाला जो स्टैंप है उसका भी मतलब जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ रिवॉर्ड को। और यहाँ भी आप देख सकते हो मेरे को एक आउटफिट मिल चुका है बिल्कुल परमानेंटली, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। अब जल्दी से ए स्टैंप वाला रिवॉर्ड को कलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हो मैंने होवरबोर्ड को कर लिया यहाँ पे कलेक्ट,
और देखो यार किस तरह का यहाँ पे लुक प्रोवाइड करता है ओवरवर्ल्ड। और इसका मतलब राइड भी करेंगे यार, सबसे पहले आप जितना भी रिवॉर्ड विवॉर्ड मेरे को मिल रहा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलने वाला है एट दी एंड, ठीक है? तो जल्दी से वो भी चीज़ देख लेते हैं गाइस। भाई लोग आप देख सकते हो ओवरवर्ल्ड को, मैं उसके ऊपर चढ़ चुका हूँ और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है ओवरवर्ल्ड, कितना बड़े यहाँ पे लुक प्रोवाइड करता है ये, और मज़ा भी आता है, कुछ यूनिक सा भी लगता है यहाँ पे करने पे। और आप भी इस चीज़ को कर सकते हो, अगर आपके पास ओवरवर्ल्ड नहीं है तो यार जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे फॉलो करो, आपको भी ओवरवर्ल्ड मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं तुम्हें ऐसे ही वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।